देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, कॉस इनवर्स लैम्डा प्लस कॉस इनवर्स म्यू प्लस कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा कैसे करेंगे इसको। We know that domain of cos is zero to pi, है ना। We know that cos inverse x is defined in its principal value 0 to pi. Okay? So, अब देखो ध्यान दें हम, यानी cos inverse x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो पाई हो सकती है और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो जीरो हो सकती है, ठीक है। तो जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, hence from the given equation cos inverse lambda plus cos inverse mu plus cos inverse gamma, this can be written as pi plus pi प्लस पाई, है ना, ये लिख सकते हैं ना। यस सर। तो इट इज अ क्लियर दैट एवरी टर्म कॉस इनवर्स लैम्डा कॉस इनवर्स म्यू कॉस इनवर्स गामा इज टेकिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर द गिवन कंडीशन। कंपेयर कर देंगे इसको। या देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी which can result in 3 pi, है ना। कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है जो कि आपको 3 pi दे दे यहां, ठीक है। फिर बीच की कोई वैल्यू लेने पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यस सर। बात क्लियर हो गई। यस सर। सो every term is taking their maximum value according to the given condition. Therefore, cos inverse lambda equal to pi, cos inverse mu equal to pi, and cos inverse gamma equal to pi. This implies, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवरी एंड ईच टर्म अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दिस मींस लैम्डा इक्वल टू कॉस पाई, म्यू इक्वल टू कॉस पाई एंड गामा इक्वल टू कॉस पाई,
अब कास पाई की वैल्यू हम सबको पता है कितना होता है, -1 -1 -1, हेंस लैम्डा म्यू म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा इक्वल टू 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है, -1 - 1 प्लस हो जाएगा, ओके। यस सर। तो इस तरीके से आप जब एग्जाम में क्लियरली इसको लिखोगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें सर, एक मिनट। हाँ लो लो। हाँ बेटा, सर आपने लास्ट वाले के लिए 0 क्यों लिखा? पाई लिखा हुआ बेटा, नहीं सर, ये ना अच्छा पाई है कास नोट लंबा ना। यस सर, ये भी जब सारे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो ये भी लेगा मैक्सिमम ही ना। यस सर। Yes, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1/2 कॉट इनवर्स -3/4 ना। यस सर। Find the value of sine 1/2 cot inverse -3/4. Solution. तो देखो क्या करना है, हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या होना चाहिए, दिस होल मस्ट बी कन्वर्टेड इन एन एंगल, है ना? क्या बनना चाहिए कि एंगल बन जाना चाहिए ये,
इसका मतलब cot इनवर्स 3/4 की वैल्यू अगर इसमें लिखे हम तो एक एंगल मिल जाएगा और हम साइन निकाल ले जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको हम। तो cot इनवर्स 3/4 की वैल्यू हमें लिखना है इसमें, लेट लेट cot इनवर्स -3/4 इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज, पेपर में कभी भी आगे डायरेक्ट बदले मत जाओ, उसको नीचे लिखते जाओ, नीचे वो कंटिन्यूटी बनी रहे। दिस इंप्लाइज cot थीटा इक्वल टू -3/4, ठीक है। दिस इंप्लाइज cot थीटा इक्वल टू -3/4। अब ये देखना कि थीटा आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है। थीटा आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट की समझ बहुत जरूरी है। हर एक वर्ड का, हर एक साइन का अपना मीनिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपके फेयरवर्क का पार्ट नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। ये x है, ये y है, नीचे माइनस वाई, यहाँ माइनस एक्स है। तो माइनस थ्री है, मतलब है कि x डायरेक्शन में आप माइनस थ्री जा, कोई एक वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना, किसी एक को पॉजिटिव लेना है। ध्यान रखो यहाँ पे जो लेंगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी, है ना। यहाँ पे जाएंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यहाँ पे आएंगे तो दोनों वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यहाँ पे आएंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। ठीक है, और cot के बारे में हमें क्या पता है, cot के बारे में हमें पता है कि ये एंगल के बारे में ये प्लस प्लस होता है सर। ये 10 जो है आपका, यहाँ पे आपका 10 या cot जो होगा वो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। जब भी कोई रेंज डिफाइन करते हैं तो रेंज डिफाइन करने के लिए एक वैल्यू प्लस लेना होता है और एक वैल्यू माइनस लेना होता है, ठीक है। एक वैल्यू प्लस लेनी होती है, एक वैल्यू माइनस लेनी होती है अपने को, ठीक है। तो अब अपने को डिफाइन करना है, तो जब डिफाइन करते हैं तो अपना जो cot की वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π होती है। कितनी होती है, cot इनवर्स x जो होता है, इसमें जो x होता है वो एलिमेंट 0 to π होता है, याद है। यस सर। तो 0 to π होता है, यानी कि जो थीटा है वो वैल्यू कहाँ, 0 to π में ही लेगा। लेकिन चूंकि ये माइनस वैल्यू है तो माइनस वैल्यू कहाँ मिल सकता है, इस वाले रीजन में, प्लस माइनस वाली वैल्यू ये यहाँ मिल सकता है, यानी कि पाई बाई टू से पाई तक, क्योंकि पाई के बाद फिर प्लस शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब लेट cot इनवर्स 3/4 जो हमने लिया है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू टू पाई, ठीक है। क्योंकि यही आपका कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट है जो कि आपको नेगेटिव वैल्यू दे पाएगा, ठीक है, क्लियर। यस सर। नहीं ओके सर, ठीक है। ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब आपको कोऑर्डिनेट और अपना डोमेन एक्स का बिल्कुल क्लियर होगा बिना डाउट का, ठीक है। तो थीटा कहाँ की वैल्यू लेगा, माइनस सॉरी पाई बाई टू से पाई के बीच की वैल्यू लेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी इसको, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको अपना ट्राइंगल बनाना है अब cot थीटा के लिए। तो cot थीटा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनाएंगे तो इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा आपका।
और ये बन जाएगा थीटा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो जो दिया होता है उसके हिसाब से कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस पे आपको माइनस थ्री मिल जाएगा, परपेंडिकुलर को आपको फोर मिल जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना मिल जाएगा आपका, फाइव मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज इफ कॉट थीटा इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर देन कॉस थीटा कैन बी डायरेक्टली रिटन एज माइनस थ्री बाई फाइव। लिख सकते हैं इसको? यस सर। ठीक है, ओके। ध्यान रखना कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इज एलिमेंट ऑफ पाई बाई टू टू पाई, ये आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ और करें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो कॉस अगर यहाँ पे ले भी आएंगे तो ये वन बाई टू से काम नहीं चलेगा, तो चलो इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि वन बाई टू भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा, साइन चाहिए। तो कॉस थीटा को हम साइन थीटा के टर्म लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वैल्यू हो जाएगी थ्री बाई फाइव। ध्यान रखना है थीटा की रेंज चेंज नहीं किया है हमने, यहां से इसको सॉल्व करें हम तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या इसको हम चाहे तो टू भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कितना मिल जाएगा, टू बाई रूट फाइव मिल जाएगा। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इधर ले जाओगे तो वन प्लस थ्री बाई फाइव हो जाएगा, फाइव प्लस वन फाइव प्लस थ्री आपका एट बाई फाइव हो जाएगा, टू से डिवाइड करेंगे तो फोर बाई फाइव हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो टू रूट फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव हो जाएगा। अब वैल्यू आपके ध्यान रखना थीटा कहाँ पे है, पाई बाई टू से पाई है, तो अब जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी, हमने सिर्फ प्लस वैल्यू लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पाई बाई टू से पाई में साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे साइन की हम। ठीक है, यस सर। तो कॉट इनवर्स थ्री बाई फोर थीटा की जो वैल्यू निकली थी हमारी, वो निकल गई थी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू फोर बाई फाइव। ठीक है, क्या निकली, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू फोर बाई फाइव निकली। तो साइन थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, टू रूट फाइव हो जाएगा ना। यस सर। और थीटा आपका कॉट इनवर्स थ्री बाई फोर है, बाई टू ऑलरेडी आपको मिल गया, साइन थीटा बाई टू की वैल्यू ही निकालनी थी आपको, है ना। तो दिस इंप्लाइज साइन ऑफ वन बाई टू, थीटा के जगह पे आप देख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू बाई रूट फाइव इज योर आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, जो हमने किया है इसको ध्यान में रखना, नहीं ध्यान में रखना है तो इसको नोट कर लो जो मैंने समझाया है आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ।
क्या होगा इसका सलूशन देखते हैं। वी नो दैट कि जो आपका कास होता है इसका डोमेन क्या होगा और कास इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। तो लेट अस राइट दैट, वी नो दैट इफ कास ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स एलिमेंट माइनस वन कामा वन, है ना। कास ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता था व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस वन वन, ठीक है। तभी ये आपका रिलेशन ट्रू है जब एक्स आपका माइनस वन वन का एलिमेंट हो। Similarly, cosec inverse x equal to x होता है for every x element belonging to minus infinity minus one union one infinity. ठीक है बेटा। yes, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो x तभी x होता है जब ये माइनस वन वन के बीच में हो, यानी इसके रिलेशन के ट्रू होने के लिए जरूरी है कि माइनस वन और वन आपका x हो। और इसके रिलेशन को ट्रू होने के लिए जरूरी है कि माइनस वन और वन के साथ में इंफिनिटी इसका पार्ट हो। तो हम बहुत क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ माइनस वन और प्लस वन ही एक ऐसे पॉइंट है यहाँ पे इसमें जो कि इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है ना। यस सर। यानी ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स पे हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, देयरफोर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स फॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन ओनली, ठीक है। हेंस there are two roots only, hence there are two roots only. हमें क्या दिया हुआ है, fx equal to mod of 3 tan inverse x minus cos inverse 0 दिया हुआ है। मॉड क्लोज हो गया, माइनस cos inverse minus 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए अपने फंक्शन की। डिफिनेशन क्या क्लियर होनी चाहिए कि जो tan inverse x होता है कास इनवर्स होता है, तो कास इनवर्स यानी जीरो की वैल्यू दे दिया तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कास इनवर्स माइनस वन है आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ टेन एक्स की डिफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए
कि 10x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ पे, ठीक है, 10x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये कितना हो सकता है, देखो, दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 3 टेन इनवर्स एक्स, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, कॉस माइनस 1 की वैल्यू पाई हो जाएगी, ठीक है। ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमने लिख लिया, तो सम मॉड माइनस पाई करना है आपको, क्या करना है, सम मॉड माइनस पाई करना है आपको, ठीक है, सम मॉड माइनस पाई करना है। तो क्या करें, इसको सिंपलीफाई करें और सॉल्व करें और देखें कि टेन इनवर्स एक्स हमारा कहाँ जा सकता है ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको आपको ओपन करना है, प्लस में ओपन करें या माइनस में ओपन करें, जो आपका मॉड एक्स होता है वो दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि डोमेन में या तो एक्स की वैल्यू प्लस ले रहा होगा या उसकी वैल्यू माइनस ले रहा होगा, रेंज उसका हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, रेंज उसका हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डोमेन वो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेगा। वो मॉड एक्स का मीनिंग हो गया कि जो एक्स होगा वो आपका प्लस भी हो सकता है, वो आपका माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो इसका वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। Yes. तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पाई को हम सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करके इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। नाउ ये पाई बाई 2 के साथ में टेन इनवर्स एक्स को हमने जोड़ दिया है यहाँ पे, इसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू को देखेंगे हम, पाई बाई 2 10x पाई बाई 2, ये हमको फाइंड आउट करना है, इक्वेशन 1 बना लो। अब वी नो दैट दिस, वी नो लिख लो यहां पे, एंड वी नो दैट कि जो 10 इनवर्स होता है उसमें जो x की वैल्यू होती है, आप जब डिफाइन करते हैं तो इस रेंज में डिफाइन होती है। वो कैसे डिफाइन होती है, ये आल प्लस, ये माइनस, ये 10 का प्लस, ये माइनस। तो इसको डिफाइन करने के लिए दो टू वैल्यूज आपको लेनी पड़ती है, प्लस माइनस की, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। क्या लेते हैं आप, 10 इनवर्स एक्स में एक्स किसका एलिमेंट होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है ये, ठीक है। तो डायरेक्टली फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द 10 इनवर्स एक्स हमने ले लिया कि 10 इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2। अब हमको ये फंक्शन बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे, दिस इंप्लाइज 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो माइनस 3 पाई बाई 2 विल बी लेस देन 3 10 इनवर्स एक्स 3 पाई बाई 2, ठीक है, ये बात 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने देखा कि इनइक्वालिटीज में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते, अगर नंबर पॉजिटिव है तो। हमको यहाँ पाई बाई 2 भी चाहिए होगा, तो पाई बाई 2 चाहिए, तो पाई बाई 2 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, कैसे, पूरे में से माइनस पाई बाई 2 करके, तो 3 बाई पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा 3 10 इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2, ये लेस देन हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा पाई के, पाई माइनस पाई बाई 2 क्या, तो 2 पाई हो जाएगा ये,
ये ऑलरेडी 3/2 था, इसमें माइनस करेंगे तो ये 2π हो जाएगा और ये बच जाएगा अपना पाई बाई 2π और ये बच जाएगा पाई खाली। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? हेलो हेलो ये इतनी बात समझ में आ गई? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। यस सर आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर से यूज करना है हमको, जो कि हमने सीखा हुआ था जब फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे थे, कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो उसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव डोमेन जा रहा हो तो जब मॉड लेंगे तो नेगेटिव डोमेन जो होता है वो जीरो बन जाता है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ साइड में थोड़ा स्पेस बना करके। माइनस 2π 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2π है। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो ऑन टेकिंग मॉड, ये जो नेगेटिव है ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो मॉड वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो जिसको मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मॉड ले लेंगे तो ये वैल्यू ये बन जाएगी, जीरो बन जाएगी नेगेटिव वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2, और पॉजिटिव वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी, और ध्यान रखना कि ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2π। माइनस 2π का मॉड लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2π बन जाएगा ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जब ये फंक्शन था तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई को टेंड कर रही थी, मिनिमम वैल्यू माइनस 2π को टेंड कर रही थी, और जब इसका मॉड ले लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 2π को टेंड कर जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी, तो ये लेस देन या इक्वल टू 2π बन जाएगा। जैसे ही इस फंक्शन का मॉड लेंगे वो ये बन जाएगा। इसको समझ लेते हैं, ऐसे कोई ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स का, क्या है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये 1 तक गया हुआ है, ये आपका माइनस 2 तक गया हुआ है, ये 1 है यहाँ पे, ये माइनस 2 है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू माइनस 2 है, तो जब इसका मॉड लेकर के ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, और y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इसी का ये ग्राफ ऐसे बनेगा, प्लस वैल्यू जहां थी वहीं पे रह जाएगी, 1 पे ही रह जाएगी, ये जो माइनस वैल्यू थी ये ऊपर चली जाएगी ऐसे, और कहां तक जाएगी, ये 2 तक चली जाएगी। तो इस ग्राफ में देखें तो x की जो वैल्यू थी मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, मिनिमम वैल्यू माइनस 2 थी। इस ग्राफ में देखोगे तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो 2 है। मॉड x की वैल्यू की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, एफ एक्स की बात हो रही है। ये बात समझ में आ गया बेटा? यस सर आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चाहो तो हाईलाइट करके लिख लो, तो ये क्लियरिटी आएगी तभी फंक्शन के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज फंक्शन क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, कि कोई नंबर माइनस प्लस में था, मॉड लेते ही ये 0 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन जब आप ग्राफ बना के देखते हो इसको तब फिर ये आपको यूजुअल लगता है ये। ठीक है, चलिए इसको हटा दे यहाँ से, बना लिया इसको? यस सर। ये आप कॉपी बना लोगे अपने, नोट करके रखोगे, क्योंकि क्लास कॉपी है, जितना बढ़िया इसको नोट करोगे उतना आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है,
कि यहाँ से ये पॉइंट जाना, अगर आपको रीजन नहीं क्लियर है तो आपको लगेगा कि आपको बेवकूफ बना दिया गया क्लास में, सर ने आपको बेवकूफ बना करके उसको ये लिख दिया है और ये कहाँ से आ गया। ठीक है, किसी बच्चे को जिसको ये बात क्लियर नहीं होती वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता वो। ऐसी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, अदरवाइज सारी चीजें आपको बुक में गाइड में मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो आपने वैल्यू निकाल ली है, किसकी वैल्यू निकाल ली है, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल ली है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2π होगी। क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2π होगी। यस सर। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको दिया हुआ है माइनस पाई करना है, इसमें से भी आपको माइनस पाई करना है, तो इसमें से भी माइनस पाई कर दो, तो माइनस पाई करेंगे तो इधर माइनस पाई हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई लेस देन ये देख रहा है यहां पर मिस्टेक, लेस देन ये लेस देन था तो ये हमेशा लेस देन ही रह जाएगी, सिर्फ 0 कन्वर्ट होगा जो कि इक्वल टू तक जाएगा। ये 2π माइनस पाई करो इसमें से भी तो कितना आ जाएगा, पाई हो जाएगा, ये है ना, 2π माइनस पाई पाई हो जाएगा, और यही आपका फंक्शन है fx, है ना, दिस इज योर फंक्शन fx, इसका रेंज कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस पाई लेस देन इक्वल टू fx इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज fx belongs to माइनस पाई क्लोज ब्रैकेट पे जाएगा, इस पे क्लोज ब्रैकेट पे माइनस पाई और पाई पे ओपन ब्रैकेट जाएगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रेंज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में देखी थी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, यस सर, प्रॉपर्टी नंबर 4 का थर्ड पॉइंट था, देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x कैन बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं इसको, कैन बी रिटेन एज टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ओके, यस, इट कैन फर्दर बी रिटन एज 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, वी नो दैट दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, और सेकेंड वन कैन बी रिटन एज 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई if x was greater than 0 and if x was less than 0। इसमें भी 10 इनवर्स x और cot इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 लिख दो तो क्या बन जाएगा, ये पाई बाय 2 if x is greater than 0
ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये फाइनली क्या बन जाएगा, पाई बाई टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये बन जाएगा माइनस पाई बाई टू इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, चलिए। हेलो, यस सर। देखो यहाँ पे आपको दिया है एक्स इज ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन जीरो, मतलब सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, है ना। एंड वी नो दैट tan inverse 1 by x equal to cot inverse x if x is greater than 0, है ना। ठीक है, सही है। हेलो, हेलो, यस सर। ये माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो होता है ये। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करेंगे, जो कॉट वाला दिया है उसको टेन में कन्वर्ट करेंगे। तो करना क्या है, हमको इसका रिवर्स लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो दिस इंप्लाइज cot inverse x can be written as tan inverse x if x is greater than 0 and इस पाई को इधर लाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, अगर के पाई प्लस tan inverse x if x is less than 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। यस सर। अब देखो हमें फार्मूला दिया है cot inverse xy अपॉन x माइनस y, इन पूरे को x की तरह मान करके सोचेंगे अब हम। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ, गिवन में हमको हमें दिया है cot inverse एक्स वाई प्लस वन। ये देखो हमने यहां मिस्टेक किया, ये वन बाई एक्स है पूरा। क्या है ये, वन बाई एक्स। ठीक है, क्या दिया, कॉट इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस वन अपान वाई माइनस जेड एंड प्लस कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस वन अपान जेड माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से देखना है, एक्स वाई ऊपर प्लस है, ये सारे ग्रेटर देन जीरो है, तो ऊपर का हिस्सा सबका प्लस हो जाएगा। नीचे वाले ने देखना है कि एक्स वाई से बड़ा है, तो एक्स माइनस वाई क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। y माइनस जेड भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन z माइनस एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको जब 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, पॉजिटिव में सिर्फ 1 बाई एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा ये। ठीक है, इसका पॉजिटिव है तो 1 बाई एक्स कर देंगे, तो ये वाई माइनस जेड अपान 1 प्लस वाई जेड हो जाएगा ये। इस वाले में ध्यान रखना कि निगेटिव है तो निगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, और इसमें आ जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स मीन्स जेड माइनस एक्स अपान 1 प्लस जेड एक्स। देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। यस सर, आ गई। क्लियर हो गई ना। यस सर। अब देखो 10 x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई,
टेन ए प्लस बी का फार्मूला याद है अपने को, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, है ना? यस सर। तो ये फार्मूला जो दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का दिया हुआ है ना? तो दिस कैन बी रिटन एज डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं इसको, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। दिस मीन्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पहला टर्म बनेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, दूसरा टर्म बनेगा आपका टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड, तीसरा बनेगा टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई। ये सारे दूसरे को कैंसिल कर देंगे और लास्ट में सिर्फ बचेगा इक्वल टू पाई, तो इक्वल टू पाई ही इसका आंसर हो जाएगा। मिस्टेक अपने समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन एक से फोर और फाइव टू एट, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, होमवर्क इनको सॉल्व करना, नहीं तो इनका आंसर कर लेंगे हम लोग।